सेवादी चनाब के तीनों असला डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में भी रमजान के पहले जुमे के मौके पर मसाजिद में काफी रौनक देखी गई। सभी मसाजिद नमाजियों से भरी हुई थी। भद्रवा की मेन जामा मस्जिद के अलावा सराफान, गाथा और सादिकाबाद की मस्जिदों में जवान और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों में भी खासा जोश व खरोश देखा गया। रोजेदारों को दो सालों बाद रमजान में जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करने का मौका मिला था। इस मौके पर खतीब मस्जिद ने नमाजियों को माह मुबारक की बरकतों से मुस्तफीद होने की। रमजान का पहला जुमा था और दो अरसे के बाद जो दो माह रमजान हुए हैं उनमें कोरोना की वबा की वजह से पाबंदियां थी, कोई नमाज पढ़ने नहीं आ पा सकता था, बिल्कुल जो लिमिटेड लोग आते, तो आज दो साल के बाद बहुत खुश हैं लोग, नमाजी खुश हैं कि दो साल के बाद वो बिना किसी पाबंदी के। नमाज के बाद आलमी अमन अमान, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी गई। जुमे की नमाज के पेश नजर कस्बे में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। मस्जिदों के आसपास ट्रैफिक निजाम दुरुस्त करने के लिए पुलिस अहलकारों की खसूसी तौर पर ड्यूटी लगाई गई थी। तमाम मुसलमानों की तरफ से जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने करारे वाकई आज जो इंतजाम रखे, जैसा हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ट्रैफिक वगैरह का फ्लो जो है इसको भी कंट्रोल रखा जाए, तो वो भी हुआ बहुत अच्छा। और लोग जोग दर जोग जामा मस्जिद में तशरीफ लाए। आज के दिन खसूसी दुआएं की गई पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। डोडा जिले